सो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ये क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। इंटीग्रेशन में बात की जाती है, यहाँ पे दो तरह के इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड दूसरा पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रल एक ही बात। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट के साथ, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। कई जगह पे आपको मुश्किल भी लगेगा, चैलेंजिंग भी लगेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें सबसे पहले, तो इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया है, तो ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। यदि हम इंडिफरेंट इंटीग्रल्स की बात करें तो दिस इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसका जस्ट इनवर्स प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को आप ऐसा समझने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। यदि इसी बात को हम एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में समझें, उल्टा करें, इनवर्स प्रोसेस करें, तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी एस का मतलब क्या है? With respect to x is called sin x. तो आपने देखा कि differentiation में ये question था और ये answer था। अब integration उल्टा हो गया, ये question बन गया तो इसका answer ये बन गया। sin x का derivative cos x है तो cos x का integration sin x है, sin x का derivative cos x है, cos x का integration sin x है। उसी तरह से यदि मैं आपसे कहता कि आप एक काम करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 फाइंड करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? ये साइन एक्स प्लस 5 होगा। यदि मैं आपसे कहता कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, तो आप कहते हैं कॉस एक्स, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है। इसका मतलब यदि हम कॉसेस को इंटीग्रेट करें तो कॉसेस को इंटीग्रेट करने के बाद साइन एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट आ सकता है। यदि हम कॉसेस को इंटीग्रेट करें, हम कॉसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट आ सकता है। यदि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसको हम जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो तो उस इंटीग्रेशन को करने के बाद आपको आंसर के साथ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखना है, जिसको हम यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये है साइन एक्स प्लस सी। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए ध्यान से, जब भी किसी क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इस पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन करने के बाद उसके साथ प्लस सी जरूर ऐड करना है, क्योंकि ये सी क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐड करना है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, उसी को कन्वर्स करके उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूला रखता हूँ, आप जरा देखिए डिफरेंशिएशन में क्या था और इंटीग्रेशन अब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चलो अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं।
अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यदि इसी बात को हम इंटीग्रेशन में कहें तो इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस सी। ये बड़ा अटपटा लग रहा है दिखने में कि एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन को थोड़ी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट हमें किसको करना पड़ेगा? एक्स टू द पावर एन को करना पड़ेगा। एक्स टू द पावर एन आंसर में यहाँ पे आना चाहिए। तो हमें ये सोचना है कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं हुआ, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, क्योंकि एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं। क्वेश्चन क्या होगा? एक्स टू द पावर एन। तो हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जिसका आंसर एक्स टू द पावर एन है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब देखिए एक्स टू द पावर एन प्लस वन, देखिए यहाँ पे n माइनस वन था ना, तो n प्लस वन में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं n आएगा एंड डिवाइडेड बाय n प्लस वन। यदि आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो x टू द पावर n आएगा। सोचो वन बाय n प्लस वन बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन कोई कांस्टेंट है, वन बाय n प्लस वन बाहर आ गया। x टू द पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है? n प्लस वन x टू द पावर n, तो x टू n प्लस वन कैंसिल हो गया, x टू द पावर n आ गया। आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए इसको, तो अल्टीमेटली एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना वो क्या बना? एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बना? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आप किसी अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करो, लाइक एक्स टू द पावर फाइव, एक्स टू द पावर टेन, एक्स टू द पावर थ्री, एक्स टू द पावर फाइव, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, एक्स टू द पावर फोर बाई थ्री, एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, तो जो भी एक्स के पावर वाले फंक्शन को जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब यदि किसी क्वेश्चन में वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए, दैट इज एक्स टू द पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो वहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस फॉर्मूला ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एप्लीकेबल इन ऑल रियल नंबर ऑफ एन एक्सेप्ट माइनस वन। ठीक है, तो एक्स टू द पावर माइनस वन के लिए क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए था। ठीक है, उसी तरह से यदि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूँ, एक्सपोनेंशियल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, आपने क्या पढ़ा है ई टू द पावर एक्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होना चाहिए? ई टू द पावर एक्स होना चाहिए। ई टू द पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, एंड प्लस सी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक और बात भी आती है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट के साथ बात करते हो तो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स ये होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। इसलिए बिकॉज वन बाय लॉग ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो लॉग ए कैंसिल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए एंड प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। सो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है? एनी कांस्टेंट। टू टू द पावर एक्स होगा तो टू टू द पावर एक्स बाय लॉग टू, फाइव टू द पावर एक्स होगा तो फाइव टू द पावर एक्स लॉग फाइव। मतलब ई टू द पावर एक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे जिसका बेस ई को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट होगा, वहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको करना है। दिस फॉर्मूला नंबर वन इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ज़्यादातर अलजेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होता है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक फंक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट हम यदि लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो आप ये बताइए कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने? वन बाय एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा? वन बाय एक्स। इसका मतलब
कि 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग एक्स प्लस सी होगा, प्लस सी हमें जरूर ऐड करना है। तो ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आपसे डिस्कस किया था कि जब n इज नॉट इक्वल टू, n इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे 1 बाय एक्स का मतलब क्या, एक्स टू द पावर माइनस वन। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन, लॉग एक्स, बिकॉज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन में ये दो चीजें आपने देखी, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 4। 1 कह रहा है कि x टू द पावर n में n की जगह पे कोई भी रियल नंबर लो बट माइनस वन मत लो, और ये कह रहा है कि यदि माइनस वन लोगे तो लॉग एक्स आएगा। जितने भी लॉग की बात हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे उस सभी में ये बात अंडरस्टूड है कि लॉग का जो बेस है वो e होगा। देखो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में थोड़ा डिफरेंस है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज इंटीग्रेशन में सभी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि डिफरेंशिएशन में हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, चेन रूल है, और इन तीनों के हेल्प से हम किसी भी तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जो डिफरेंशिएबल फंक्शन। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं फंक्शन को इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, बाकी फंक्शन को अपनी मर्जी से कोई नया फंक्शन लिया और इंटीग्रेट करने लगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को सॉल्व करना है, बट डिफरेंशिएशन में हो सकता था, ठीक है। इसलिए आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिए, मैं आपको जो फॉर्मूला जो आइडिया बता रहा हूँ इसके बाद आप क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉगरिथमिक के बारे में बताया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला नंबर 5 की बात, अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं। यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इसका एक डिफरेंशिएशन आपको याद होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों ऐसा लिखा मैंने, बिकॉज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। यदि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। बहुत केयरफुली इस बात को समझना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन को रिलेट तो करो बट कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। वहां पे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ये फॉर्मूला सब डिफरेंशिएशन से बन रहा है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसा नहीं कि रट लो। cos x तो cos का इंटीग्रेशन sin x होगा, क्यों होगा, बिकॉज sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। तीसरी बात sec x tan x जो है वो किसका डेरिवेटिव है, आपको ऐसा सोचना, आपको आप इंटीग्रेशन का मतलब क्या समझते हो, एंटी डेरिवेटिव। तो आपको जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो आपको सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो sec x tan x किसका डेरिवेटिव है, sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x। और यदि मैं बात करूं sec square x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब tan x plus c हो जाएगा, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x हो गया। उसी तरह से यदि मैं बात करूं cosec x multiply cot x, तो आपको देखना है कि cosec x cot x किसका डेरिवेटिव है, तो ये माइनस cosec x का डेरिवेटिव है, क्योंकि cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, ये माइनस cosec x प्लस सी हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी। हम क्या सोच रहे हैं कि ये किसका डेरिवेटिव, हाँ इसलिए मैंने आपसे ऐसा कहा क्योंकि आप यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँगी tan x का इंटीग्रेशन करो तो tan x किसका डेरिवेटिव है, नहीं, तो tan x का इंटीग्रेशन करना है पॉसिबल नहीं है, cot x का इंटीग्रेशन पॉसिबल, हाँ ये सब पॉसिबल है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि tan x एंड cot x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, sec x एंड cos x का इंटीग्रेशन कैसे होता है। अभी आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे उन सभी फंक्शन को इनमें से किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यदि वो क्वेश्चन साइन कॉस sec x tan x sec square x cos x cot x या cos x square x के फॉर्म में है तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज अपनी मर्जी से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको आइडिया कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो आपने देखा अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इन फॉर्मूले को नोट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इन फॉर्मूले को नोट करने के बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, जिसको भी आप जरूर लिखोगे, वो है फॉर्मूला नंबर जीरो। फॉर्मूला नंबर जीरो कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, इज इट करेक्ट? सो इंटीग्रेशन ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को कंपेयर करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लगा दो। डिफरेंशिएशन में था डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। वन का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स प्लस सी। यदि वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यदि वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी है तो आप बताइए टू का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जब भी आप किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, और इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन आता है, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में था उसी तरह यहाँ पर भी हम कांस्टेंट को बाहर लेंगे एंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल फंक्शन आता है, सो यू शुड टेक द कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेट द वेरिएबल। उसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यदि आपको टू का इंटीग्रेशन करना है तो टू कांस्टेंट है, टू को बाहर लो और इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं बचा तो वन बचा, एंड वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस सी। तो टू का इंटीग्रेशन क्या होगा? टू एक्स प्लस सी। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, बिकॉज उन सभी कांस्टेंट के साथ वन अंडरस्टूड है प्रोडक्ट में। तो जब आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस कांस्टेंट को आप क्या करोगे? बाहर लोगे और वन को इंटीग्रेट करोगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहता हूँ इन फॉर्मूले को आपने नोट कर, वीडियो को पॉज करो एंड फॉर्मूले को नोट करो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक काम करिए, लॉग टू को इंटीग्रेट करिए, तो इसमें लॉग एस का इंटीग्रेशन सोचने की जरूरत थोड़ी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। लॉग टू का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, लॉग टू एक कांस्टेंट है, तो लॉग टू कांस्टेंट बाहर आ गया और बचा क्या? कुछ नहीं, तो वन। तो वन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? एक्स प्लस सी होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स लॉग टू प्लस सी। कॉन्स्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल, डिफ्रेंशिएशन जीरो होता था बट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जब भी आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो उसको बाहर लो। हाँ, यदि ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, मैं कहता हूँ कि 3x को इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पर आप 3 को बाहर लोगे और x को इंटीग्रेट करोगे। और x का इंटीग्रेशन का मतलब क्या? x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो आंसर क्या आ गया? 3 x square by 2 plus c, this is the integration of 3x। तो constant अकेला होने से उसको बाहर लेंगे और 1 का integration कर देंगे। constant किसी variable के साथ है तो constant को बाहर लेंगे and उस variable को integrate कर देंगे। I hope आप मेरी बात को समझ रहे हो। आप बड़े ध्यान से पूरी बात को सुनिए, फिर हम question, कुछ homework आपको देंगे जो आपको करना है। तो आपने देखा constant with variable, आपने देखा constant अकेला। यदि मैं इसी में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेता, यदि मैं कहता हूँ कि आप ये बताओ कि 3 sec square x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप क्या करोगे? 3 को बाहर लोगे और इंटीग्रेशन किसका करोगे? sec square x dx का करोगे। तो ये क्या बन गया? 3 tan x plus c। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है एक काम करो 3 tan square x को इंटीग्रेट करो, तो tan square x का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है, और tan square x किसका डेरिवेटिव ये भी नहीं पता। तो मैंने कहा था जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि उन सभी फंक्शन को इनमें से किसी फॉर्म में लेकर के आए। जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो और वो इनमें से किसी फॉर्म में नहीं है, सो यू शुड ट्रांसफॉर्म इनटू एनी ऑफ दिस फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है tan square x, and you know how to convert tan into sec। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 को बाहर लिया and tan square x can be written as sec square x minus 1 dx। क्यों ऐसा किया? Because sec square x को integrate करना possible है। अब हमारे पास यहाँ पे दो integration है। First integration है
sec square x dx एंड सेकेंड इंटीग्रेशन है 1 dx। जब भी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के बीच में प्लस या माइनस साइन आता है उन सभी इंटीग्रेशन को आप सेपरेट अलग अलग कर सकते हो। नाउ 3 sec square x का जो इंटीग्रेशन है वो है tan x, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, एंड 1 का इंटीग्रेशन है x एंड प्लस c। जब भी किसी क्वेश्चन में आप दो या दो से ज़्यादा इंटीग्रेशन एक साथ कर रहे हो तो इसमें अलग अलग c को लेने की जरूरत नहीं, बल्कि आप एक साथ प्लस सी ले सकते हो। यदि मैं आप C1 एंड C2 लेता हूं तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सीधा लिख सकते हैं। तो आप देख लो, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन का ले रहा हूं, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन रख रहा हूं जिसको आप समझिए, ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया हुआ सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बहुत लेंदी पार्ट है, कम से कम 25-30 लेक्चर्स लगेगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो साथ ही साथ जो भी मैं लेक्चर्स आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके साथ उसको करते चले जाना, ठीक है। अब मैं आपके असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ले रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 dx, मैंने क्या कहा था, जब भी कोई अल्जेब्रिक फंक्शन है तो अल्जेब्रिक फंक्शन में x टू द पावर n के फॉर्म में ले जाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 5 dx लिख सकते हैं। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 एन प्लस सी। तो ये बन गया, ये माइनस 4 है, माइनस 1/4 एंड एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस सी। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, पावर फिर नेगेटिव साइन को हटा दो, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 1 - 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ठीक है, यदि इसी तरह से यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है, इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसा लिखा हुआ है। आप यदि इसके क्यूब रूट को समझने की कोशिश करो तो ये इस तरह से समझें कि डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 1/3 है। समझ रहे बात को, हमें एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 है। This can be written x to the power 2/3, और यदि ये numerator में आ तो x to the power minus 2/3 हो जाएगा। हमारी कोशिश क्या थी, किसी भी algebraic function को x to the power n के form में transform करो, और x to the power n का integration हमें पता है, ये x to the power minus 2/3 plus 1 divided by minus 2/3 plus 1 and plus c हो जाएगा। Now this is called x to the power 1 - 2/3 1/3 divided by 1/3 plus c, it can be written 3 x to the power 1/3 plus c, ये इसका आंसर हो गया। और चाहो तो आप इस फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में लिखा था, तो ये क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा, दोनों एक ही बात है, तो दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी अल्जेब्रिक फंक्शन को इस x टू द पावर n के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके एंड फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कुछ और क्वेश्चन की बात करें जिसमें कि बहुत सारे फंक्शन हैं या कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर अल्जेब्रिक फंक्शन तो है बट ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में नहीं है। एक्स टू द पावर एन का मतलब सिर्फ एक्स टू द पावर एन होना चाहिए, इसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करके अलग अलग इंटीग्रेशन करना है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन x टू द पावर n के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर ax प्लस b टू द पावर 3, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस b होल क्यू। यदि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर b 33 ax स्क्वायर b एंड प्लस 3 ab स्क्वायर, तो 3 ए एक्स मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, देर आर 4 डिफरेंट फंक्शन
इन सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन करना, और जिसमें भी जो कॉन्स्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेना है। सो ए क्यू प्लस एक्स क्यू में क्या होगा, ए क्यू बाहर आ गया और एक्स क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड क्या है, अकेला बी क्यू है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और हम वन को इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्या है, थ्री ए स्क्वायर बी कॉन्स्टेंट, थ्री ए स्क्वायर बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा वेरिएबल, एक्स टी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इन सभी को इंटीग्रेट कर लें, तो ए क्यू एक्स टू द पावर फोर बाई फोर, देखो एक्स पर थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन, बी क्यू मल्टीप्लाई वन का इंटीग्रेशन एक्स, थ्री ए स्क्वायर बी एंड ये क्या हो गया एक्स क्यू बाई थ्री, देख रहे हो, एंड प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस सी बी, ये फाइनल आंसर आ गया। हम चाहें तो थोड़ा बहुत इसको कैलकुलेशन वगैरह करके और सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज ये सही है। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन अलजेब्रिक फंक्शन में कई सारी चीज़ें आएंगी, पावर में होगा, पावर थ्री पावर टू में होगा, तो आप आइडेंटिटी लगा के उसको एक्सपैंड करके सेपरेट करो पहले। ठीक है, कई प्रोडक्ट में यदि अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करो, अलग अलग करो पहले और फिर उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप मैं एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को लूँगा, यदि मैं क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट से बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ये फ्रैक्शन है बट यहाँ पे हमारे पास कोई कोशेंट रूल नहीं, वो डिफरेंशिएशन में था, 5x² - 4 एंड डिवाइडेड बाई x². यदि आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को हर एक टर्म से डिवाइड करो, x³ / x² क्या बन गया, x बन गया, 5x² / x² क्या बन गया, 5 बन गया। ओके, माइनस 4x² / 4x² बन गया। यहाँ पे थ्री डिफरेंट फंक्शन आए और इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स डी एक्स, सेकेंड क्या है 5 कॉन्स्टेंट है 1 डी एक्स, ठीक है, तीसरा क्या है -4 कॉन्स्टेंट है 1x² dx, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x² / 2 एंड प्लस 5x एंड -4। अब ये 1x² का मतलब क्या है, x²-2 है और x²-2 का इंटीग्रेशन x²-2 + 1 - 2 + 1 + 6, तो अल्टीमेटली ये बन गया x²/2 + 5x एंड +4 / x, क्योंकि x²-1 है और ये -1 प्लस बन गया एंड प्लस ये हो गया। ठीक है, तो आप यदि कोई रैशनल फंक्शन आता है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड कर दो, जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर दो, वो x²n के फॉर्म में आना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन 12-13 भी करोगे। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, पहले आप पहले इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा खेलिए, उसके बाद हम और भी क्वेश्चन पे आगे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा खेलिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको असाइनमेंट से, आपके पास जो असाइनमेंट है उससे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करिए 17 तक। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आप पहले 1-17 तक ट्राई करिए, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चन में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9476080120 पे, इसको व्हाट्सअप करिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा।